कहा जाता है कि आयतुल्लाह खुमैनी के पूर्वज यूपी के बाराबंकी से ही रहे हैं। इनके दादा सैयद अहमद मुसवी हिंदी सन 1790 में बाराबंकी के इसी छोटे से गांव किंतूर में ही जन्मे थे। वह अवध के नवाब के साथ धर्म यात्रा पर ईरान गए हुए थे। उन्हें ईरान इतना पसंद आया कि वो वहीं खुमैन गांव में बस गए। इनके पिता भी धार्मिक नेता थे, उन्होंने फिर भी अपना उपनाम हिंदी ही रखा। सैयद अहमद मुसवी के पुत्र आयतुल्ला मुस्तफा हिंदी का नाम इस्लामी धर्मशास्त्र के जाने माने जानकारों में शुमार हुआ। उनके दो बेटों में छोटे बेटे रूहुल्ला का जन्म सन 1902 में हुआ, जो आगे चलकर आयतुल्ला खुमैनी या इमाम खुमैनी के रूप में प्रसिद्ध हुए। आयतुल्ला खुमैनी के परिवार के सैयद निहाल अहमद काजमी ने बताया कि मैं उनके खानदान से हूँ। अंग्रेजी हुकूमत से तंग आकर वह 1830 में इराक माइग्रेट कर गए थे। हम लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी राह पर चलना चाहते हैं। हम भी ज़ियारत के लिए ईरान जाते हैं और वहां जाकर हमें खुशी मिलती है। सैयद निहाल अहमद काजमी के बेटे ने बताया कि हम लोगों को ईरान जाकर रूहानी खुशी मिली, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ईरान को एक गणराज्य बनाया, क्योंकि वह किंतूर से संबंध रखते हैं और हम भी यहाँ के निवासी हैं। बाराबंकी से फकरे आलम की रिपोर्ट। अभी आते हैं, इसको कार्ड दिलाया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद निहाल अहमद मुस्लिम काजमी है। सर जो ईरान की क्रांति के जनक माने जाते हैं सैयद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब, उनका यहाँ से क्या संबंध है? वो हम लोगों के रिश्तेदारों में, मतलब हमारे पूर्वजों में है, और उनके दादा अहमद हुसैन मुंशी हिंदी साहब जो है वो यहाँ पैदा हुए थे, जैसा कि हमें अपने बुजुर्गों से मालूम हुआ है। और उसके बाद सन 1830 में वो यहाँ से एक वहाँ ईरान में एक जगह है खुमैन नजर, वो वहां चले गए थे। और कुछ लोगों का कहना ये है कि वो ज़ियारत के सिलसिले में चले गए थे। इनके बेटे मुस्तफ़ा मुस्वी हिंदी, उनके बेटे ये आयतुल्ला खुमैनी साहब, और हमारे जो मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब हैं वो इनके एमसन साहब जो मुस्वी हिंदी के उनके कजिन। ये किंतूर से उनका किस तरह का लगाव रहा है, जरा उसके बारे में बताएं। किंतूर से लगाव यही रहा है कि यहाँ उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद कुछ लोगों का कहना ये है कि वो मतलब यहाँ के जो ब्रिटिश राज था उससे कुछ परेशान होके गए। कुछ लोगों का बताना था कि यहाँ से मतलब ज़ियारत के सिलसिले में गए वहां घूमें। तो आज जब आपको ये पहले से खैर पता है, लेकिन जब आप सुनते हैं जानते हैं कि आपके परिवार से आपके खानदान से रिलेटेड लोग ने इतना बढ़िया काम किया, इतने बड़े पदों पर ईरान में, तो कैसा महसूस है? बहुत ही खुशी होती है कि हम मतलब कुछ किस्मत है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे उहदों पे रहे और उन्होंने इस तरह का मतलब दुनिया में अपना नाम अच्छे लोगों में पैदा किया, अलम दीन भी रहे और नई चीजों में भी उनका बहुत ज्यादा दखल रहा। तो जैसे आज भारत और ईरान संबंधों की बात की जाती है वैश्विक तौर पर, आज स्थितियां ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो तनातनी का माहौल है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं जब भारत और ईरान के संबंध को? देखिए, भारत और ईरान का संबंध तो बहुत पुराना है, आज से नहीं मतलब सदियों से है। उस हिसाब से तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश को भी ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे मुल्क से और ईरान से ताल्लुकात रहे हैं और जो वहां हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग चूंकि उस खानदान से हैं और उस सिलसिले से हैं, तो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है और थोड़ा अपने में गुस्सा भी महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आयतुल्ला खुमैनी साहब ने पहलवी सल्तनत को उखाड़ के वहां से फेंक दिया, उसके बाद वहां पे इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। तो उसको आप लोग अपने जानते हैं कि अपने अब जब सुनते हैं कि आपके खानदान के वो थे, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और खासकर किंतूर से जो संबंध है, जो किंतूर की आवाज है, उसको लेकर के कैसा बोले? किंतूर की आवाज जो है मतलब ये एक उनका इस उस पे पहुंचना आयतुल्लाह खुमैनी साहब का,
ये किंतूर पूरे वर्ल्ड में उनके उससे फेमस हुआ और उनके नाम के वजह से किंतूर को एक फख्र हासिल है कि आज उनके नाम से ये उनका वतन पहचाना जा रहा है। और भी यहाँ उलमा हुए जो उसी मतलब मुस्लिम खानदान के सिलसिले से हुई और इनके मतलब हम लोगों के जो मुस्लिम खानदान की ब्रांचें हैं वो यहाँ से जो हम लोगों के रिश्तेदारों में से थे पूर्वजों के, तो कुछ लोग कश्मीर गए, कुछ लोग हैदराबाद दक्षिण गए, कुछ ये एक रसूलपुर पड़ोस में है हमारे जो हमारा ननिहाल भी है एक ब्रांच वहां पे है, तो ये सब हम लोग आपस में रिलेटेड हैं। ठीक ठीक है, शॉर्टिंग क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अली हैदर जैदी। आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? ये किंतूर के बगल में गांव है बदूसराय, वहाँ रहते हैं जी। तो ये आयतुल्ला खुमैनी साहब के बारे में आप जानते हैं क्या? जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, किंतूर के रहने वाले थे ये लोग और इराक में हैं और इनकी बातों को हम लोग मानते हैं, शिया हैं हम लोग और जो ये लोग फतवा लगाते हैं जो भी होता है हम लोग इनकी बातों को मानते हैं। तो क्या आपको पता था कि ईरान में इतने बड़े रिवोल्यूशनरी हैं, इतने बड़े क्रांतिकारी उलेमा थे और इस तरह से जो दुनिया भर में जो लोग जानते हैं, तो आसपास भी ऐसी चर्चा रहती है क्या? जी बिल्कुल रहती है, यहाँ भी रहती है, किंतूर में रहती है, रसूलपुर में रहती है, लखनऊ में भी रहती है। जो लोग जानते हैं इस बात को वो किंतूर को आयतुल्ला सिस्तानी साहब के नाम से बचाना भी जाता है किंतूर। अच्छा, तो क्या कुछ कभी कभी आप लोग यहाँ आते भी हैं क्योंकि यहाँ उनके दादा का जन्म हुआ था? तो बिल्कुल आते हैं, यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ मजलिस में आते हैं और आना जाना तो लगा ही रहता है हम लोग का। तो मजलिसों में चर्चा भी होती है क्या? हाँ मजलिसों में भी चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? अब मजलिसों में ये चर्चा होती है, मजलिसों मतलब अब उस तरीके से चर्चा नहीं होती है, लेकिन हम लोग उनकी तकनीक में हैं, उनकी बात को मानते हैं। अब ये तो चर्चा होती है कि ये हमारे गांव के हैं, यहाँ के रहने वाले थे, हैं, ये सब बातें होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सैयद आदिल काजमी मेरा नाम है। सर आयतुल्ला खुमैनी साहब जो ईरानी क्रांति के जनक हैं और वर्तमान जो ईरानी इस्लामिक गणराज्य है उसके फादर माने जाते हैं जी, उनका संबंध यहाँ किंतूर से है, आपके परिवार से है जी, कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी की बात है, ये तो हम सभी के लिए फख्र की बात है और इतराब में भी जितने लोग रहते हैं उनके सबके लिए फख्र की बात है कि इतनी अच्छी शख्सियत किंतूर से ताल्लुक रखती है, ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। कैसे आपको पता चला? क्या कभी आप ईरान भी गए हैं क्या? अब ये तो पता चलने की जहाँ तक बात रही तो वो हमने अपने बुजुर्गों से और दीगर लोगों से और इंटरनेट के माध्यम से भी ये जिक्र आपको मिल जाएगा हर जगह से कि किंतूर से उनका ताल्लुक था और है, तो हमने ये अपने बुजुर्गों से भी सुन रखा कि वो किंतूर से उनके आबा अजदाद बिलोंग करते थे। कभी आप गए भी हैं ईरान? जी मैं लास्ट ईयर अगस्त में ईरान गया था ज़ियारत के माध्यम से, ज़ियारत करने के माध्यम, तो वहां पे हमने जो है बहुत सारी चीजें देखी भी, खुमैनी साहब के रोजे पे भी गए। तो कभी मन में इच्छा होती है कि खानदान परिवार के लोग जो ईरान में हैं वो यहाँ आए? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम सभी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये इतनी अच्छी बात है कि इतनी अच्छी शख्सियत जो है वो उनके परिवार से अगर हम लोग कहीं से ताल्लुक है तो बिल्कुल वो हम लोग उनसे मिले और वो लोग हमसे मिले, ये हम बिल्कुल चाहते हैं। आज का जो माहौल है अमेरिका और ईरान में बिल्कुल तनातनी का माहौल है, अमेरिका समर्थित पहलवी सल्तनत को हटा करके उन्होंने इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की थी आपके बुजुर्ग ने, तो अब जो स्थिति है अमेरिका और ईरान में तनातनी का बिल्कुल माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका ने गलत तो किया ही, पहल की उन्होंने और ये सरोसर गलत है, हम इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं और इसके लिए जो है हमें ये चाहते हैं कि ईरान उनसे जो भी अपने तरीके से चीजें चाहे वो करे, और हमें इस बात का दुख भी है कि वहां के जो कमांडर थे वो शहीद कर दिए गए, इस बात का हमें दुख भी है और हम इसके लिए चाहते हैं कि ईरान उनसे अपने तरीकों से जैसे भी हो अमरीका से
वो अपनी चीजों के लिए ले सके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद असद काजमी है। ये खुमैनी साहब का आपके परिवार से क्या रिश्ता है और आप कितना कुछ जानते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सारी चीजें डैड ने बता ही दिया, मेरे डैड ने काजमी। और रही बात किंतुर के बारे में और मुंशी खानदान के बारे में और आयतुल्ला खुमैनी साहब के बारे में अगर मैं बात बताऊँ, तो आयतुल्ला खुमैनी साहब किंतूर को उनके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है कि किंतूर में एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है जो एक पूरे नई कंट्री को एक रेवोल्यूशन वहां लेके आ गई और वहां पे उन्होंने पूरी क्रांति पैदा करके पूरी नई चीजें कर दी। तो वो चीजें हैं और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम लोग ऐसे खानदान से, ऐसे लोगों से, ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनसे हमारा ताल्लुक है।